Hey, what's up guys? So, this is Vipin Raj and today I have for you my amazing recipe for muscle building. So, मैंने इसकी स्टोरी डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे और बहुत सारे लोगों की डिमांड आई थी कि हमें ये रेसिपी जाननी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक छोटी सी यूट्यूब वीडियो बना दी जाए और इसको मैं इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर दूँगा एज अ रील. सो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग हियर इज़ आई एम यूजिंग बेसिक डे टू डे इंग्रेडिएंट्स जो घर में हमेशा होते ही होते हैं और उनसे ही मैं एक बहुत सिंपल मील बना के आपको दिखाऊंगा. होगा क्या ये बेसिकली एक बहुत अच्छे देसी स्टाइल का पास्ता होगा, अपना पास्ता या मैक्रोनी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. तो अभी मैं यहाँ पे प्याज काट रहा हूँ, सब्ज़ियाँ काट रहा हूँ बाकी की, और यहाँ पे ले आया दो टमाटर क्योंकि टमाटर ऑब्वियसली एक अलग फ्लेवर प्रोवाइड करते हैं किसी भी आप सब्ज़ी में डालेंगे या फिर किसी भी इस तरह की मील में डालेंगे तो. और क्योंकि हमें सॉटे करनी है वेजिटेबल्स प्रॉपर, जैसे हम सब्ज़ी बनाते हैं उसमें एकदम मैश्ड हो जाती है चीज़ें, हमें वैसी नहीं करनी है, हम सिर्फ सॉटे करेंगे. सॉटे का मतलब होता है कि उसको हल्का सा बस ऑलिव ऑयल में या मस्टर्ड ऑयल में आपने पैन में उसको थोड़ा सा स्टिर फ्राई टाइप किया है, ठीक है, तो वो होता है सॉटे. तो हम उसको सॉटे करेंगे, तब तक हमारा पास्ता उबल के रेडी हो जाएगा. तो मैं बता दूं कि इस मील में हद से हद 10 से 15 मिनट लगते हैं मैक्सिमम. इस मील की सबसे ख़ास बात यही है. तो जब तक मैंने ये सारी प्रिपरेशंस करी तब तक मेरी मैक्रोनी उबल गई थी और थोड़ी सी हेयर स्टाइलिंग. सो यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहा हूँ. मैं हमेशा अपनी कुकिंग में मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करता हूँ. अगर ये नहीं होता है तो फिर मैं कभी कभी घी यूज़ कर लेता हूँ, बट यूजुअली मस्टर्ड ऑयल यूज़ करता हूँ. तो अब ये पास्ता मैक्रोनी एक्चुअली ऑलमोस्ट रेडी है. उसको मैंने थोड़ा चेक किया, इतने जो मैंने ऑयल डाला है वो गर्म हो जाएगा और उसको बहुत ज़्यादा आपने हाई हीट पर नहीं रखना है क्योंकि हमें जलाना नहीं है ना तेल ना वेजिटेबल्स. और वेजिटेबल्स में खैर ब्रोकली मुझे लगा था मैंने थोड़ी सी पहले काट ली थी, थोड़ी सी अब मैं काट रहा हूँ एक्स्ट्रा, बिकॉज जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स होंगी उतना ज़्यादा अच्छा. आप गेनिंग पे हो आप कटिंग पे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वेजिटेबल्स आपकी मील्स में होनी ही होनी चाहिए. सो ब्रोकली बीइंग माय फेवरेट वेजिटेबल मेरी ऑलमोस्ट हर मील में होती ही है. अब एक एक करके सारी चीज़ें मैं पैन में डालूँगा और वेजिटेबल्स को करूँगा सॉटे. सॉटे होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हार्डली 2 से 4 मिनट लगती है. बस हल्के हाथ से इसको घुमाते रहना है और प्याज का ही मेन होता है कि वो थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाए. उसके बाद आप जब पनीर ऐड करेंगे, तो मैंने इसमें पनीर लिया है अप्रॉक्सीमेटली 150 ग्राम्स, आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं. पास्ता जो मैक्रोनी मैंने ली है वो मैंने ली थी 100 ग्राम्स, तो वो मेरी कैलोरीज़ के हिसाब से सेट है. आप उसको अपनी कैलोरीज़ के हिसाब से सेट कर सकते हैं जो भी आपका करंट डाइट प्लान होगा. क्योंकि ये पनीर है, आप पनीर की जगह चिकन भी डाल सकते हैं अगर आपको चिकन खाना है तो. मैं ऑफ सीज़न पर हूँ और मुझे पनीर खाना पसंद भी है, तो मैंने फिर पनीर चूज़ किया हुआ है. अब इसमें मसाले आप अपने हिसाब से डालें, मैं सिर्फ वीडियो के लिए मसाले डाल रहा हूँ. यूजुअली मैं सिर्फ नमक से भी काम चला लेता हूँ अपना, और क्योंकि बॉडी बिल्डिंग लाइफस्टाइल है तो फिटनेस लाइफस्टाइल है तो मसालों में थोड़ा सा मैं दूर ही हट कर रहता हूँ. पनीर जब आप डाल देंगे इसमें और इवन जब आप पास्ता भी डालेंगे तो बहुत हल्के हाथ से आपने उसको चलाना है. अब ये मैं पास्ता ऐड करूँगा इसमें और 100 ग्राम्स रॉ वेट में था, उबलने के बाद लगभग 3 times वेट हो जाता है, तो ये बहुत हैवी एक मील होती है. इसीलिए इसको मैंने स्पेशली मसल बिल्डिंग कहा है, बिकॉज मसल बिल्डिंग के लिए हम कैलोरिक सरप्लस में जाते हैं, कैलोरिक सरप्लस मतलब ज़्यादा खाना, ज़्यादा क्वांटिटी. तो हल्के हाथ से चलाएं ताकि ना पास्ता टूटे और ना ही पनीर टूटे, बस आपने उसको टॉस करना है धीरे धीरे हल्का हल्का, एंड दैट्स इट. ऑलराइट गाइस, सो हियर इज द अल्टीमेट मील, लुक एट दिस ब्यूटी. सो आई ईट दिस एवरी डे. आज मैंने बस थोड़ा सा स्पेशल ये किया कि थोड़ी हल्दी डाल दी, थोड़ी लाल मिर्च डाल दी, अदरवाइज सिर्फ नमक होता है. और वीडियो के लिए मैंने थोड़ा ऐसा किया था कि थोड़ा सा कलर आ जाए, आपको भी देखने में अच्छा लगे और जनरल पब्लिक के लिए. मैं तो बस नॉर्मल नमक खा लेता हूँ, हम बॉडी बिल्डर्स कुछ भी खा लेते हैं, है ना. तो
10 मिनट में ये मील तैयार हो गई। पास्ता उबलने में भी 10 मिनट लगा था, तो अगर टोटल लगाओगे तो 20 मिनट, वरना 10 मिनट में ये मील बन के रेडी हो गई। इससे आसान और हाई प्रोटीन मील आपको शायद ही मिलेगी, मिलेगी तो मुझे भी बता देना, हम भी ऐड कर लेंगे भाई अपने प्लान में। क्यों ट्रेन नहीं किया मैंने आज लगभग एक हफ्ते से, डेढ़ हफ्ते से। सो अब मैं इस मील को लूँगा और आज मेरा ऑफ है, वर्कआउट नहीं करना है, सिर्फ कार्डियो एब्स बस, और मैं थोड़ी सी काफ्स की एक्सरसाइज भी करूँगा। तो मैं इस मील को खा के अभी अप्रॉक्सीमेटली डेढ़ घंटे बाद जाऊँगा जिम, अपना वर्कआउट करके और वापस आ जाऊँगा बस। सो आज के लिए इतना ही, आई होप यू गाइस लाइक दिस रेसिपी, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम।